सभी बच्चों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम एम्बोले तो मैच है। बच्चों आज हम लोग फिर से एक नए क्वेश्चंस की सीरीज पुनः लेकर के आपके सामने आए हैं, जिसमें हम लोग आज 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और दसों की दसों क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगेंगे। बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करने का जरूर प्रयास करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और क्वेश्चन नंबर एक लेकर के आते हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने कुछ इस प्रकार से, यदि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार लगाया जाए तो कौन सा शब्द बीच में आएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, डिक्शनरी से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। पहला शब्द जो बच्चों दिया गया है वो डांस दिया गया है, DANCE, और दूसरा शब्द बच्चों जो दिया गया है वो डिग्री दिया गया है, DEGRE, और तीसरा शब्द जो दिया गया है वो डेयर दिया गया है, DARE, डेयर, और चौथा शब्द जो दिया गया है वो डियर दिया गया है, DEAR, डियर, और पांचवा शब्द जो दिया गया है वो डेवलपमेंट दिया गया है, डेवलपमेंट, कुछ इस प्रकार। भैया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा। देखो तो सभी को डिक्शनरी फॉर्म में लगाना है, तो सबसे पहले देखो डी 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 तो सभी में कॉमन है। देखो डी के बाद अब नेक्स्ट लेटर की तरफ जाते हैं तो ए है, ई है, ई है, ई है और ई है, तो ए और ई में सबसे पहले ए आता है, आप सभी लोगों को पता है, तो ए वाले शब्द पहले हो जाएंगे और ई वाले अब पीछे चले जाएंगे। अब ए में भी कौन पहले आएगा वो यहां से मालूम चलेगा, एन और आर। देखो एन पहले आता है और आर बाद में आता है, तो ये शब्द पहला होगा और ये शब्द दूसरा होगा। चलिए आगे चेक करते हैं, अब ई में आ जाते हैं तो ई में देखो सबसे ई के बाद यहाँ जी है, यहाँ ए है और यहाँ पर ए है, तो ए पहले आता है जी और बी से, तो ये तीसरा शब्द हो जाएगा, ये चौथा शब्द हो जाएगा और बी सबसे लास्ट में आता है तो ये पांचवा शब्द हो जाएगा। तो हमको मध्य का बताना है, पांच का मध्य मतलब तीसरा शब्द, तीसरा शब्द डियर होगा, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, डियर मतलब बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा लेकर के आते हैं। लिखा हुआ है दी गई आकृति में कौन सी संख्या सभी ज्यामिति आकृतियों में शामिल है। आपको ये चित्र को देखना है और देख करके ये बताना है कि ऐसा कौन सा नंबर जो तीनों में या चारों में या जितने भी चित्र दिए जाए उन सभी में वो उपस्थित हो। तो आप देखो चार जो कि बीच में दिया गया, जो कि रेक्टेंगल में भी है, ट्राइंगल में भी है और सर्किल में भी है, तो चार इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। बच्चा चार ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, इसलिए ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे को लेकर के आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है, तो चलिए तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा है एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुप्रिया ने कहा, किसने कहा, सुप्रिया ने, सुप्रिया कहती है एक महिला की तरफ इशारा करते हुए, क्या कहती है, यह महिला हमारी दादी या नानी, हमारी दादी या नानी की इकलौती संतान की पुत्री है, एकमात्र संतान की पुत्री। देखो दादी या नानी की एकमात्र संतान जो होती है वो स्वयं खुद होती है, एकमात्र संतान, देखो एकमात्र संतान जो है अगर दादी है तो वो पिता होगा और अगर नानी है तो माता होगी, और पिता या माता की पुत्री सुप्रिया स्वयं भी हो सकती है या फिर सुप्रिया की बहन भी हो सकती है, तो ये महिला जो है वो सुप्रिया की बहन होगी। आंसर जो होगा वो इस क्वेश्चन का बहन बनेगा, जो कि सी ऑप्शन पे, दादी या नानी की एकमात्र संतान, दादी की एकमात्र संतान पिता और माता की एकमात्र संतान, सॉरी नानी की एकमात्र संतान को माता कहते हैं, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो सी बहन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा लेकर के आते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा मेरे बच्चों जो दिया गया है ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें COCK का कोड आपको दिया गया है, FRFN दिया गया है और हैंग का कोड आपसे पूछा जा रहा है HANG का। आप देखिए यहाँ से प्लस का 3 हो रहा है, सी से एफ, ओ से आर भी प्लस का 3 है, फिर से प्लस का 3 है और यहाँ भी प्लस का 3 है। अब यहाँ पर अगर हम सभी में प्लस का 3 करने का प्रयास करते हैं तो 8 × 3 = 11 मतलब कि K होगा, 1 + 3 = 4 D होगा, 14 × 3 = 17 Q होगा और 7 × 3 = 10 जो होगा वो J होगा, तो HKDQJ KDQJ ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पांचवे की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन जो है वो आपका पासे से संबंधित क्वेश्चन है, इसमें दो पासे आपको दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि 5 का विपरीत क्या होगा। तो बच्चा जल्दी से इन दोनों पासों को ध्यान से देखते हैं और आप दोनों पासों में देख सकते हो कि 3 जो है वो कॉमन है, और जब कॉमन नंबर सेम सरफेस पर नहीं होता है तो बच्चों उस समय उनको आपस में क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाना होता है।
तो अगर मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बच्चों घुमाने का प्रयास करूंगा तो देखिए धमाकेदार तरीके से इसका आंसर निकलेगा। अगर इसको घुमाते हैं तो 3 6 4 घड़ी की दिशा में मूवमेंट कराया जाता है, घुमाया जाता है, तो 3 6 4 होगा और अगले वाले में 3 1 5 हो जाएगा। तो बच्चा 5 और 4 जो है वो एक दूसरे के नीचे आएगा, इसलिए 5 का विपरीत 4 होगा। ऑप्शन नंबर बी को हम यहाँ पर सही कहेंगे, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बच्चा कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है और कैलेंडर महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। और कौन सा कैलेंडर? ग्रेगोरियन कैलेंडर महत्वपूर्ण है। 12 अक्टूबर 1997 को शनिवार था, तो वर्ष 2008 में उसी दिनांक को कौन सा दिन था? उसी दिनांक का मतलब बच्चा 12 अक्टूबर का ही पूछा जा रहा है। 12 अक्टूबर 1997 का दिन हम लोगों को दिया गया है शनिवार। तो कुछ चुटकियों में इन क्वेश्चंस के आंसर निकलते हैं, मतलब आप लोगों को कोई भी टीचर घुमा फिरा के इधर से उधर करके आंसर बता रहा तो उसके चक्कर में मत पड़िए, सीधे यहाँ जुड़िए, आपको हर क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट मिलेगा। देखो बच्चों करना क्या है, सीधे आपको दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेना है। अगर 97 से 8 के बीच का डिफरेंस लोगे तो 11 साल का अंतर होगा और मेरे बच्चों इनके बीच में आपको जो लीप ईयर मिलेंगे वो केवल 2000, 2004 और 2008, मतलब 3 लीप ईयर बनेंगे। 11 प्लस 3 14 होगा, कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा। शेषफल कुछ भी ना बचने का मतलब होता है ना इधर जाना ना उधर जाना, जहां पर हो वहीं रुक जाना। तो आंसर शनिवार बनेगा, शनिवार मतलब कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ए को आप यहाँ पर सही कह सकते हो। चलिए मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है खेल क्रिकेट और कॉकरोच के लिए वेन डायग्राम बनाना है। बच्चा खेल क्रिकेट और कॉकरोच, देखो क्रिकेट तो एक प्रकार का खेल है जो कि हम लोग खेलते हैं, तो क्रिकेट जो होगा वो खेल के अंदर आ जाएगा और कॉकरोच से हम लोग दूर भागते हैं तो उसको दूर ही रखते हैं। तो इसका वेन डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा जैसा कि बी ऑप्शन में आप देख रहे हो, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वें पर भी एक बार झलक मार लेते हैं। 4 संख्याएं दी गई है, इनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और 1 असंगत है, मतलब भिन्न है, वो बताना है कि कौन भिन्न है। बच्चों क्वेश्चन में 29 25 16 और 34 दिया गया है, 25 16 और 34 ये सम और विषम का था, 25 विषम 16 और 34 सम, लेकिन 29 जो है ये एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर, और अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती है जो स्वयं से कटती हैं, जिनको काटने के लिए केवल वही चाहिए और उसके अलावा उसको कोई नहीं चाहिए। तो आंसर 29 बनेगा, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9th नंबर की तरफ आ जाते हैं। 9th नंबर बच्चा क्वेश्चन जो है वो जो है फिगर काउंटिंग से है। इसमें आपको एक चित्र दिया गया और इसमें बताना है कि इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ये हम लोगों को बताना है। तो बच्चा देखो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालना ऐसे चित्रों में बहुत ही आसान होता है। अगर आप इस चित्र को देखोगे तो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, इसमें ऐसे हम लोग क्रॉस कर लेते हैं। और मैंने आपको सुबह जो क्लास एक पढ़ाई थी, मैंने आपको एक वीडियो डाला था और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऐसी आकृति में हमेशा 8 त्रिभुज बनते हैं और इसमें भी कितने बनेंगे, 8, क्योंकि सेम आकृति दोनों में 8 और 8 बनेंगे। और जब भी दो आकृतियां ऐसे आपस में मिलती है तो एक ट्राइंगल ये बनता है जो कि ऊपर की तरफ, और एक ऐसे नीचे की तरफ बनता है, मतलब 2 और बन जाएंगे तो 8 8 16 2 18, 18 जो होंगे वो इसके त्रिभुजों की संख्या होगी। 18 ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10वां बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा 10वें क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिकल रीजनिंग से रिलेटेड है और मैथ में तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को हवा में उड़ा रहे होंगे और अगर नहीं उड़ा पा रहे हैं तो इसलिए आप अनअकैडमी में अंकित सर की क्लास को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां पर वो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे उड़ाया जाता है हवा में वो सिखाते हैं, तो आप लोग वो जादू जरूर सीखिए। क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि 0.27 का होल स्क्वायर और माइनस का 0.13 का होल स्क्वायर अपॉन में 0.27 प्लस का 0.13। बच्चा आपको अच्छे तरीके से पता है, क्लास छोटे में आप लोगों ने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस का बी, और वही फॉर्मूला यहां पर आपको अप्लाई कर देना है। तो एक ब्रैकेट में आप इन दोनों को जोड़ लीजिए और एक ब्रैकेट में आप इन दोनों को घटा लीजिए और नीचे 0.27 माइनस का 0.13 प्लस का, और ये आपस में कैंसिल आउट होगा
बचेगा 0.27, माइनस का 0.13 हटाओगे तो 0.14, 0.14 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर आपको जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो बच्चों ये थे आज के कुछ 10 धमाकेदार क्वेश्चन जिसको मैंने अभी आपके सामने कराया है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप सभी लोगों से फिर से एक बार मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक अंकित सर की क्लास अन अकेडमी पर ज्वाइन नहीं की है वो जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहां पर वो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं और वहां से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अगले वीडियो पर फिर से कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय। देखिए आप लोग तो जानते हैं कि हमारी क्लासेस आप यहाँ पर यानी यूट्यूब पर तो दे ही रहे हैं, मैथ्स की भी क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, और आपने देखा होगा कि मैंने रीजनिंग के भी लेक्चर्स आपको दिए। तो ये लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहिए, और अगर आप ऐसे सेशन और भी चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारी क्लासेस यहाँ के साथ साथ अन अकेडमी पर भी देख सकते हैं। मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ, मॉर्निंग क्लास मॉर्निंग 7 AM से शुरू होती है, 7 से 8, फिर 8 से 9 होती है, फिर शाम को होती है 6 से 7 और 7 से 8, ठीक है ना। तो 4 क्लासेस अभी फिलहाल चल रही हैं और ये सारी स्पेशल क्लासेस हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिसके लिए अदर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं। इसके साथ साथ कुछ प्लस क्लासेस भी चल रही हैं, उन्हें भी आप ले सकते हैं। अभी हमारा एक नया कोर्स आ रहा है प्लस में 2 फरवरी से, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं एक्चुअली आपको मैथ पढ़ाने वाला हूँ। और ऑलरेडी अन अकेडमी पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको शाम को 6 बजे एक्स की मैथ पढ़ा रहा हूँ, तो अगर आप चाहें तो वो सेशन भी वहाँ पे आकर ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे पेड पढ़ना चाहते हैं उन सभी बच्चों के लिए ऑफर्स हैं, तो मैं सभी को बता देता हूँ। देखिए 2 दिन का ऑफर है, 30 और 31 तारीख, यानी जनवरी 30 और 31, और क्योंकि 30 तो हो चुकी, आज 31 तारीख है, तो आज के दिन आपके पास ये अभी ऑफर है रात को 12 बजे तक कि आप अनलॉग कर सकते हैं और 20% का डिस्काउंट ले सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अन अकेडमी पर एयरफोर्स नेवी एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड के लिए, या किसी भी कैटेगरी के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो ले सकते हैं, और आपको वहां पर 20% का ऑफ मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको कोड यूज करना है अंकित 100, जहाँ भी आपसे कोड मांगा जाएगा रेफरल कोड आपको यूज करना है अंकित 100। वैसे आपको मोस्टली 10% ऑफ मिलता है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि 30 और 31 तारीख को जो डिस्काउंट चल रहा है वो आपका चल रहा है 20%, ठीक है ना। तो आपके पास ये 2 दिन का ऑफर है, आप ये 20% का डिस्काउंट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी करिए, देर ना करिए। इसके साथ साथ आप सभी को पता है कि जब वहाँ पर आप क्लास लेते हैं तो आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जो बच्चे वहाँ पर ऑलरेडी क्लास ले रहे हैं उन सभी लोग जानते हैं कि एक फीचर मिलता है रेज हैंड का, जिसके जरिए आपको अगर मैं क्लास में कुछ पढ़ा रहा हूँ और आपको कहीं डाउट आता है तो अपना रेज हैंड करके आप डायरेक्टली हमसे वो पूछ सकते हो, जैसे कि हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में करते हैं। बहुत अच्छा फीचर है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं और अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैंने कोई टॉपिक आपको पढ़ाया है और उस टॉपिक पे आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आए हैं तो आप वो क्वेश्चन डायरेक्टली मेरे पास भेज सकते हैं, आस्क अ डाउट बाय अन अकेडमी की फीचर्स की मदद से, जिससे कि आप आसानी से उन क्वेश्चंस को हमारे द्वारा समझ सकते, ठीक है ना। तो अभी मैं इस क्लास यहीं पे एंड कर रहा हूँ और अब हम लेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और ये रीजनिंग के सेशंस आपको इसी तरीके से और चाहिए या नहीं चाहिए ये हमें जरूर बता दीजिएगा, ठीक है ना। अभी के लिए यहीं तक, थैंक यू, बाय।